अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। यहाँ से फारक भये 16 के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। आए जूनागढ़ के हाल, सत्रोत्तरे यहाँ रहे। अक्षराति धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से आप जूनागढ़ की बीतक का वर्णन करवाने जा रहे हैं। आपको विदित है कि जब श्री जी नौतनपुरी से जूनागढ़ के लिए चले तो रास्ते में धोराजी में वीर जी भाण जी की पुत्री तेज गोरी से उनका विवाह हुआ, जिनके अंदर परमधाम की वह अमलावती की वासना थी जो फूल भाई के तन में लीला कर चुकी थी। अपने धाम धनी को रिझाने की इच्छा बाकी रह गई थी, उस तन से पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बिहारी जी का जो तानाशाही आदेश था उसने उनके तन को छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। अब 1716 में वहाँ रहते हैं गांव बसाने में, और 1718 के बीच में जूनागढ़ रहते हैं। जूनागढ़ के पास सोरठा गांव उन्होंने बसाया। गांव बसाने के लिए आप जानते हैं प्राचीन काल में या अभी भी जब नगर बसाए जाते हैं तो तरह तरह की कॉलोनियाँ बसानी पड़ती हैं, व्यापारियों को लाना पड़ता है, उद्योग धंधों को खड़ा करना पड़ता है। उसी तरह से जब एक कोई गांव बसाया जाता है तो वहाँ भी पानी की और जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति करनी पड़ती होती है। वहाँ जूनागढ़ में, आजकल जूनागढ़ पाकिस्तान में चला गया है संभवतः, शायद नहीं पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, वहाँ का नवाब बहुत चाहता था पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से जा नहीं पाया, नहीं तो आज जूनागढ़ भी पाकिस्तान में होता। ये अवश्य सुना जाता है कि जूनागढ़ का नवाब भाग करके चला गया था पाकिस्तान। वह जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। वहाँ एक विद्वान रहते थे हरजी व्यास। व्यास एक उपाधि है। व्यास किसको कहते हैं, जैसे कोई वृत्त है उसके आर पार। वेद व्यास जी का वास्तविक नाम कृष्ण द्वापायन है। जब उन्होंने अंग उपांग सहित चारों वेदों का अध्ययन किया और अपने शिष्यों को पढ़ाया तो उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। उनकी नकल करके पौराणिक विद्वानों ने अपने को व्यास कहना प्रारंभ कर दिया। अभी तक में आगे पाएंगे गोविंद जी व्यास का नाम आता है। आजकल परंपरा है जो भागवत की कथा करता है तो व्यास गद्दी पर बैठता है और अपने लिए वो नियम बना देता है कि कोई उससे प्रश्न ना पूछे, क्योंकि वो व्यास जी के आसन पर बैठा हुआ है। उसी तरह से हरजी व्यास एक विद्वान थे, उनकी सेवा करते थे कांजी भाई। वही कांजी भाई जो पहले श्री जी की सेवा में रह चुके थे
और जो श्री जी जो सुंदर सात की जागने के लिए उत्सव करना चाहते थे, एकत्रित करना चाहते थे, उसमें सारी व्यवस्था उन्होंने कांजी भाई के जिम्मे कर रखी थी। कांजी भाई जब उनकी सेवा में थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, एक दिन बचने की कोई आशा नहीं रह गई। आप जानते हैं जब लोग मरने लगते हैं तो परिवार वाले क्या सोचते हैं कि इनके नाम से कुछ दान पुण्य करवा दिया जाए। पुण्य किसको कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य और पाप की एक ही परिभाषा होती है कि मन वाणी कर्म से किसी को पीड़ा देना पाप है और किसी को सुख देना पुण्य है। पुण्य के बदले सुख मिलता है और पाप के बदले दुख मिलता है। सुख और दुख मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। दान करना पुण्य है, लेकिन दान कैसे किया जाए इसका विवेक होना चाहिए। आमतौर पर जब मनुष्य मरने लगता है तो दान क्यों कराया जाता है? कि यह दान हमें पुनः पुण्य के बदले अगले जन्म में मिल जाएगा। हरजी व्यास ने उनको मना किया कि नहीं, ये मेरे नाम पर ये दान पुण्य मत कराओ, क्योंकि मैं इस इंद्र का नहीं हूं, मुझे इस दान पुण्य का पुण्य नहीं लेना है। जब कांजी भाई ने यह बात सुनी तो सोचा कि यह तो लगता है कोई अखंड की आत्मा है, क्योंकि इस नश्वर संसार का प्राणी तो दान पुण्य करके स्वर्ग और वैकुंठ की कामना करता है। यह व्यक्ति कह रहा है कि मेरे नाम पर दान न कराओ, क्योंकि मैं इस इंद्र का नहीं हूँ, मैं पुनः जन्म लेना नहीं चाहता, तो इसकी सूचना श्री जी को देनी चाहिए। अब आपके मन में संशय होगा तो क्या दान न करें? अभी तक चर्चा आप सुनते हैं तो यहाँ भी कहा जाता है कि भाई सुंदर साथ जी वाणी के प्रचार के लिए धन की सेवा कीजिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये भी तो धन का त्याग ही है। कहने का भाव क्या है? जो पौराणिक मान्यता है, आप किसी का धन लेंगे तो आपका धन लिया जाएगा। आप जब पुण्य के कार्यों में धन खर्च करेंगे तो उसके बदले आपको धन मिलेगा। जो मनुष्य किसी का धन लूटता है तो एक न एक दिन उसका भी धन लूटा जाएगा, और जो मनुष्य अपना धन परोपकार के कार्यों में देता है तो उसके धन की वृद्धि होती है। यदि आपने किसी का धन इस जन्म में लूट लिया तो आपको किसी न किसी रूप में धन आपका लूटा जाएगा। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ, नाम तो ध्यान में नहीं है। कुछ लोग तीर्थाटन करने के लिए हिमालय के किसी एकांत स्थान में गए, वहाँ एक महात्मा मिले। महात्मा से उन्होंने काफ़ी वार्ता की, घनिष्ठता हो गई। महात्मा जी ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पहले एक सेठ था, मेरे घर कोई दूसरा बहुत बड़ा सेठ आया, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको विष खिला करके हत्या कर दूं। इसके पास इतना धन रखा हुआ है, जब इसका धन मैं ले लूँगा तो बहुत बड़ा धनवान हो जाऊँगा। मैंने रात को भोजन में विष मिला दिया, वो तो मर गया, उसका सारा धन लेकर मैं मालामाल हो गया। पूरे नगर में मेरी ख्याति फैल गई कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ, बहुत अच्छा था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, जब युवा हो गया तो मैंने सारे डॉक्टर वैद्य लगा दिए, लेकिन उसके बचने की आशा नहीं रही। आधी रात को मैं उसके पास सोया हुआ था तो ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर चढ़ आया है और कह रहा है क्या पहचाना मुझे? मैं वही सेठ हूँ जिसको तुमने जहर दिया था, मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लिया और अब मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए जैसे उसने आंखें खोली तो देखा कि मेरा बेटा मर चुका है।
लेकिन मरने से पहले उसकी सारी संपत्ति को बर्बाद कर गया था। तो इस संसार में लेना देना रहता है। आप किसी का गलत तरीके से धन लूटेंगे तो आपका धन लूटा जाएगा, और यदि आपने परोपकार के कार्यों में धन खर्च किया है तो याद रखिए वो धन आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उस धन पुण्य का फल लेने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आप धन जितना दान करते हैं उसका 10 गुना कीजिए, लेकिन अनासक्त भाव से। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति न रखो। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग असत्य कर्म। यदि कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में आसक्ति नहीं है, निष्काम भाव से करते रहेंगे कुछ भी कार्य, तो आपको संसार की आसक्ति नहीं लगेगी। जन्म कब होता है? जब संसार से आसक्ति होती है। तो आपने पौराणिक कथा सुनी होगी, जब जड़ भरत को तप करने के लिए एकांत में जंगल में जाना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब वयोवृद्ध अवस्था आने लगती है तो राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। तप करते करते एक दिन देखते हैं कि नदी के किनारे उस पार से सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, हिरनी छलांग लगा जाती है। हिरनी तो मर जाती है, लेकिन जब बाहर गिरती है तो उसका बच्चा नदी में गिर जाता है, और भरत जी उस नदी में तैरकर उस बच्चे को लाते हैं। अब हिरनी के उस बच्चे पर उनको बहुत लगाव हो जाता है, उसको पालते रहते हैं। बड़ा होता जाता है, वो सोचते हैं कि कहीं ये जंगल में चला जाएगा तो सिंह वगैरह इसको खा लेंगे, तो उनको अब भक्ति में ध्यान कम लगता है, हिरन के बच्चे पर ज़्यादा लगता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे साधना तपस्या पीछे छूटती गई, और आसक्ति जो हिरन के बच्चे पर पड़ गई, मरते समय भी उनका ध्यान परमात्मा में नहीं लगा, हिरन के बच्चे में लगा। परिणाम क्या हुआ? उनको अगली योनि में हिरन की योनि में जाना पड़ा। यह ठीक है कि पूर्वजन्म के तप के प्रभाव से उस हिरन की योनि से कुछ समय के बाद मुक्त होकर पुनः जड़ भरत के रूप में आए। उसी तरह से सभी ग्रंथों का एक ही सार है कि अंतमता सोगमगता, मरते समय परमात्मा का ध्यान करते हुए ही शरीर छोड़ना चाहिए। आप जिस भी महापुरुष को देखिए, उसने जब भी तन छोड़ा है तो अपने आराध्य का नाम लेते हुए तन छोड़ा है। यदि मरते समय आपकी आसक्ति परिवार में बस गई, धन में बस गई, किसी अन्य चीज पर बस गई, तो वही आसक्ति आपके पुनर्जन्म का कारण बन जाएगी। इसलिए धर्मग्रंथों का एक ही कथन है कि हमें आसक्ति से रहित होना चाहिए। परिवार में रहिए लेकिन परिवार के मोह से अलग रहिए, समाज में रहिए समाज के मोह से अलग रहिए, धन कमाइए लेकिन धन के मोह से अलग रहिए, क्योंकि परिवार आपका नहीं है, समाज आपका नहीं है, धन आपका नहीं है, आपका केवल परमात्मा है। जो आपने ज्ञान संग्रह किया है, परमात्मा की भक्ति की है, केवल वही आपके साथ जाने वाला है, अन्य सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। और यदि आपने इनसे आसक्ति रखी तो पुनः तन धारण करना पड़ेगा। यदि आपने पशु पक्षी की आसक्ति ली तो आपकी तृष्णा के कारण आपको पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। यदि आपने परमात्मा का ध्यान किया तो उस शुभ कार्य के बदले किसी भक्त के घर आपका जन्म होगा, जहाँ से पुनः आपको ज्ञान का प्रकाश मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने शरीर रहते रहते परमात्मा का ध्यान करके साक्षात्कार कर लिया है, दर्शन कर लिया है, तो निश्चित है कि आपको ब्रह्मानंद मिलेगा। अभी हम इस मिट्टी के पुतले को पकड़ करके बैठे हैं, यदि हमको छोटी सी चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है, तो कितना कष्ट होता है। हमारा कोई गला दबाने लगे तो हमें सहन नहीं होगा। फांसी पर किसी को लटकाया जाता है, गले में रस्सी बांधी जाती है, तो कितना तड़प तड़प का प्राण निकलते हैं। अचानक किसी को कहा जाए कि शरीर छूटने वाला है तो सबको कष्ट होगा, क्योंकि वो मृत्यु ऐच्छिक मृत्यु नहीं है, जबरन मृत्यु है। और बलपूर्वक किसी को भी मारा जाता है तो उस प्राणी को कष्ट होता है, क्योंकि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहेगा, चींटी भी हो, यहाँ तक कि अमीबा जैसा छोटा प्राणी भी
विद्युत के प्रभाव से अपनी रक्षा करना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता। चींटी भी, चींटी से बहुत छोटा होता है अमीबा, उसको आंख से देखा नहीं जा सकता, वो भी अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है। सृष्टि का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको पड़ता है। परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है कि मरने से पहले मनुष्य बेहोशी अवस्था में आ जाता है, सामान्य प्राणी, उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हाँ, जो योगी महात्मा होते हैं अपने संकल्प बल से अपने प्राण वायु को निकाल लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, दयानंद ऋषि को विष दिया गया था, अपने ब्रह्मचर्य के बल पर, सहन शक्ति के बल पर एक वर्ष तक उन्होंने विष का प्रभाव झेला। दीपावली का दिन था, उन्होंने पूछा कि आज कौन सा दिन है, सबने बता दिया आज यह दिन है, सबको कह दिया कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, और वेद मंत्रों का गायन करने लगे और मुस्कराते हुए कहा कि हे परमात्मा, तुमने अच्छी लीला की। मुस्कराते हुए अपना ध्यान एकाग्र किया, पल भर में आसन पर बैठे बैठे उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। शरीर छोड़ा तो भी मुस्करा रहे हैं। उनके सामने गुरुदत्त नाम के एक नास्तिक थे जो परमात्मा को मानते ही नहीं थे। वो देखकर दंग रह गए कि मरते समय बड़ा सा बड़ा व्यक्ति कांपने लगता है, बड़ा सा वीर, बड़ा वीर भी सोचता है कि मेरी मृत्यु न हो, वो भयभीत होता है, और ये कैसा योगी है जो मृत्यु के समय भी मुस्करा रहा है। उनकी यह निष्ठा देखकर गुरुदत्त को आस्तिक बनना पड़ा। समान प्राणी जब मरने लगता है तो संगी संबंधियों को बुलाता है कि आ जाओ, मैं सबसे मिल लूँ, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। दुनिया से जा कहाँ रहा है, उसको तो फिर दुनिया में आना ही पड़ेगा, इस परिवार में नहीं किसी और परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दुनिया से आसक्ति है। आप अभी सेठ के नीचे बैठे हैं, गर्मी लग रही है, सूरज उगा हुआ है, आप ऊपर आकाश में चले जाएं लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तो कुछ नहीं दिखेगा, केवल घना अंधकार दिखेगा, अंधकार ही अंधकार। जैसे रात को आपको घना अंधकार दिखता है, दिन में भी घना अंधकार दिखाई देगा, लेकिन जब इस दुनिया पृथ्वी पर आप हैं तो सूरज चांद उगते दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। यह संसार ही अंधकार से बना हुआ है, इसमें सूरज दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है, हमारे शरीर दिखाई देते हैं, नगर बस्ती दिखाई देती है, तो हम सोचते हैं कि कितनी अच्छी दुनिया है। यह दुनिया तो शून्य निराकार से पैदा हुई है, स्वप्नवत समान है, लेकिन फिर इस दुनिया में परमात्मा की सत्ता कार्य कर रही है, परमात्मा का गुणगान हो रहा है, परमात्मा की भक्ति हो रही है, तो इस दुनिया की महत्ता है, अन्यथा सार तत्व क्या है, कुछ भी नहीं। सार तत्व है केवल परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति, लेकिन दुनिया को यही अच्छा नहीं लगता। आप विदेशों में जाइए, क्या दिनचर्या है, प्रातःकाल मांस खाना, शराब पीना, दोपहर को खाना पीना, रात को वही नाचना कूदना, खा पी करके सो जाना, पशु की जिंदगी है। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अपने ही देश के मुंबई और दिल्ली जैसे नगरों में भी यही हाल है, विदेशों जैसा ही हाल है, केवल कमाओ खाओ सो जाओ। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, ये किसी के भी मन में बात बहुत कम उभरती है। हजारों में लाखों में कोई ये सोचना चाहता है और जानना चाहता है। अब हरजी व्यास विद्वान हैं, उनको मालूम है कि यदि मेरे शरीर छोड़ने के समय मेरे नाम से पुण्य कराया जाता है आसक्ति वाला, तो इस पुण्य का फल लेने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। यदि शरीर छोड़ते समय मैं परमात्मा का ध्यान करके शरीर छोड़ूंगा तो आसक्ति न रहने से मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी कारण उसने मना कर दिया कि मेरे नाम से ये सब दान पुण्य मत कराओ। तो प्रश्न यह होता है कि क्या हम कराना छोड़ दें, आप जितना कराते हैं उसका 10 गुना कराइए, लेकिन आसक्ति से नहीं कि हमें इसका पुण्य मिले। मानवता के कल्याण के लिए हमें अपने धन को मानवता में खर्च करना चाहिए। जैसे तीन तरह के दान होते हैं, एक दान होता है सात्विक, एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक।
वास्तविक दान वह है जो मानवता के कल्याण के लिए अनासक्त भाव से किया जाए, इसको कहते हैं सात्विक दान। राजसिक दान उसको कहते हैं जिसमें प्रतिष्ठा के लिए किया जाए। जैसे आपने कमरा बनवाया और चाहते हैं कि वहाँ मेरे नाम का पत्थर लग जाए ताकि दूसरे लोग आए तो देखते रहें कि मैंने ये दान दिया है। तीसरा दान होता है तामसिक दान। समाज में दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से, मेरे जैसा कोई नहीं है, इस भावना से जो दान दिया जाता है इसको कहते हैं तामसिक दान। इसलिए मनुष्य को सात्विक दान करना चाहिए, निष्काम भावना से करना चाहिए। जहाँ लोग भूखों मर रहे हों वहाँ खिलाइए, वहाँ पुण्य मिलेगा। लोग शादी विवाह में पानी की तरह पैसा उड़ेलते हैं। भारत में शादी विवाह में इतना भोजन बर्बाद होता है कि शायद उससे करोड़ों लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक एक थाली कितने की आती है, कहीं 1,000 की एक थाली, कहीं 2,000 की थाली, कहीं 2,500 की थाली। किस लिए खिलाते हैं? क्योंकि सारे समाज में मेरी प्रतिष्ठा फैल जाए कि देखो मैंने इतना बढ़िया भोजन कराया, और एक एक रात में 25-25 लाख रुपए केवल होटल में खिलाने में खर्च कर दिए जाते हैं। जबकि इस देश में कितने लोग आधे पेट सो जाते हैं, कितने लोग भूखों पेट सो जाते हैं, कितने लोग भूखों मर भी जाते हैं। जहाँ की धरती पर मनुष्य भूखे पेट सोने के लिए विवश हो, वहाँ की धरती पर इस तरह की फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं पाप को जन्म देती है। तो यदि हम ऐसे कार्यों में पानी की तरह पैसा उड़ेलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाप है, ये आसक्ति, ये तामसिक दान है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपने भूखों को ले जाकर के खिला दिया, जहाँ अशिक्षा है वहाँ शिक्षा के लिए आपने कोई विद्यालय खुलवा दिया, तो ये पुण्य का काम तो है, लेकिन निष्काम भाव से आपने किया, मानवता को ध्यान में रखकर किया, तो इसमें आसक्ति न होने से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। गीता का सार तत्व यही है, कुर्वन एव यह कर्माणि जीव से शास्ति समा एवं तो न निथो अस्ति न कर्म लिप्ते नरे। रे मानव, कर्म करते हुए तू 100 वर्षों तक जीवित रह, यदि तू निष्काम भावना से कर्म करता रहेगा तो उसमें तू लिप्यमान नहीं होगा, तेरी आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति ही समस्या की जड़ है। यदि आसक्ति है तो उस आसक्ति के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। आप निरासक्त होइए। निरासक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप रुखे बन जाइए, सबसे मुंह फेरे रहिए, न बच्चों से बोलिए, न पत्नी से बोलिए, न माता पिता से बोलिए। अनासक्त होने का तात्पर्य क्या है? सबके बीच रहिए, लेकिन अपना हृदय परमात्मा के लिए समर्पित किए रहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए, महाभारत के युद्ध में सब लोग परेशान हैं, कृष्ण के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती है, तीर भी लगता है तो मुस्कुरा देते हैं, हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, कभी दुखी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनको मालूम है कि यह तो संसार की गति है, जीना मरना लगा रहता है, सुख दुख सुखे दुखे समेक कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय न यो पापम अवश्य। हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में तुम समान रह। योग किसको कहते हैं? समत्वम योग उचित, समत्व हो जाना। सुखी है, सुख मिल रहा है संसार का तो भी धैर्य बनाए रखिए, दुख मिल रहा है तो भी धैर्य बनाए रखिए, मान हो अपमान हो, हानि हो लाभ हो, जय हो पराजय हो, सब में एक समान जो रहता है वही योगी है और वही धैर्यशाली व्यक्ति है, धर्म के गहन तत्व को वही जानने वाला है। इसलिए जब कांजी भाई ने ये बात सुनी, उसको पता चल गया था कि श्री जी आए हुए हैं, दौड़ करके श्री जी के पास गया, कहा कि धाम देने, इस जूनागढ़ में एक विद्वान रहते हैं हरजी व्यास, उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे नाम से दान पुण्य ना कराओ, क्योंकि मैं इस इंड का नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वो कहीं अखंड की आत्मा है तभी इस तरह की बातें कर रही है। आप कृपा करेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा।
और एक बात और है, उसने कहा कि मैं एक बात की दाज लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ कि मैंने जिसको ना कह दिया उसको किसी ने हाँ करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है तो किसी विद्वान में साहस नहीं हुआ कि वो साकार सिद्ध कर दे, और यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा साकार है तो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसको निराकार सिद्ध कर सके। मेरे तथ्यों को खंडित करने वाला आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ, मेरे मन में यही दाज है। श्री जी कहते हैं कांजी भाई से कि कांजी भाई तुम अच्छी तरह से उनकी सेवा करो, राज्य की कृपा होगी तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए जिस तन में राजी बैठे हैं वो भी क्या कह रहे हैं, राज्य की कृपा होगी तो स्वस्थ हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी कृपा से मेरे आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करे। इस खेल में कौन जीतेगा? जो कभी अपने ऊपर मैं नहीं लेगा, सब कुछ राज्य को सौंपेगा। इन जिमी में सिवाय खुदाए जो बुजुर्गी लेवे सोते किक आपे अपना पाया फल भी खोवे। कभी भी अपने ऊपर बुजुर्गी नहीं लेनी चाहिए कि मेरे आशीर्वाद से ये ठीक हो जाएगा, मेरे आशीर्वाद से ये हो जाएगा। सब कुछ करने वाले कौन है? राज्य। इस तन को शोभा देते हैं, इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं सभी यही कहते हैं परब्रह्म की कृपा से हो जाएगा, सतगुरु की कृपा से हो जाएगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे आशीर्वाद से मेरे बल से ऐसा हो जाएगा, और जो ऐसा कहते हैं वो नादान माने जाते हैं। अब कांजी भाई सच्चे हृदय से सेवा करने लगते हैं। पहले तो करते थे काम और अब करते हैं सेवा। काम और सेवा में अंतर होता है। काम करने वाले को पैसे से मतलब है, सेवा करने वाला सोचता है कि ये मेरे हृदय की पुकार है, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। सेवा करे न जना ही अपनी आत्म के कारण। कर्मचारी और सेवक में बहुत अंतर होता है। सेवक बनना बहुत कठिन होता है। कहावत कही जाती है सेवक बना तब जानिए जब हाड़ रहे ना मांस, जब हड्डी भी न रह जाए मांस न रह जाए सेवा करते करते, तब समझने चाहिए कि वो सेवक है। सेवा धर्म है परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। योगियों के लिए भी कठिन है सेवा कार्य करना, क्योंकि सेवक कुछ भी करेगा तो उस पर आरोप लगेंगे, और जिसने सेवा धर्म को निभा लिया उसने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी परमहंस को रिझाना हो, महापुरुष को रिझाना हो, तो हमें सेवा भाव आना चाहिए। जिसके अंदर सेवा भावना नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। मुक्ति सेवा तूने सुख हूँ जो तू अंतर आटो टाल, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपज से तत्काल। राजी कहते हैं कि मुख से कैसे कहा जाए कि आप ये सेवा करो, जो तू अंतर अटोटाल। यदि हमने अपने अंदर के माया के पर्दे को हटा दिया तो हमारे अंदर स्वतः सेवा की भावना पैदा हो जाती है कि हम ये करें हम ये करें। आप स्वर्ण मंदिर जाइए, वहाँ के लोगों की सेवा आप देखिए। जो करोड़पति हैं आपका जूता उठाकर अपने शरीर से पोंछ करके रखेंगे अपने कपड़े में, आपके जूते को साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। हमारे समाज में सेवा भावना बहुत कम है, नाम मात्र को। सेवा भावना देखनी है राधा स्वामी मत में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए सेवा भावना क्या कहलाती है। वहाँ कोई भेद नहीं है कौन गरीब है कौन करोड़पति है अरबपति है। करोड़पति अरबपति लोग वहाँ छोटी छोटी सेवा करते हुए देखेंगे, और जो व्यक्ति जितना ही महान होता है उतनी ही छोटी सेवा को चुनता है। युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ हुआ था और योगेश्वर श्री कृष्ण ने जानते हैं क्या सेवा मांगी थी, सबकी जूठे पतले उठाने की सेवा श्री कृष्ण जी ने स्वयं मांग कर ली कि मैं सबकी जूठी पतले उठाऊंगा। यही तो महानता होती। सेवा कौन करेगा? जो विनम्रता की मूर्ति होगा, जो अपने अहंकार का विसर्जन करेगा, जो ये सोचता है कि मैं सेवा कराने के लिए हूँ। समझ लीजिए
कि उसने अपनी आध्यात्मिकता की संपत्ति खो दी है, वो कुछ बनना नहीं चाहेगा, वो कुछ बन भी नहीं सकता। सेवा कराने वाला हमेशा पीछे हो जाता है, सेवा करने वाला हमेशा आगे होता है। विश्वामित्र लेटे होते हैं और राम और लक्ष्मण उनके चरण दबाते हैं, क्यों? विश्वामित्र ने कभी नहीं कहा कि मेरे चरण दबाओ, लेकिन यही चरण दबाना राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। कृष्ण और बलराम गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लकड़ी वो लाते हैं, भिक्षा मांगकर भोजन वो लाते हैं, सारा कार्य गुरुकुलों में करना पड़ता है। परिणाम क्या हुआ? गुरुकुल में जाकर भिक्षा मांगने वाले श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए और भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरवों और पांडवों को कहा था कि यही महल में शिक्षा दो, महल के पास एक स्थान बना दिया था। परिणाम यह हुआ कि जिसको धर्मराज कहते हैं उनको जुआ खेलने का व्यसन लगा, और जिसको हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा गया वो दुर्योधन दुष्ट निकला, जिसने महाभारत का युद्ध कराया और 47 लाख लोगों की के मृत्यु का कारण बना। आज की शिक्षा में जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सेवा भावना नहीं जानते, उनको सुख सुविधा के वातावरण में रखा जाता है। परिणाम वहाँ सेवा भावना विकसित नहीं हो सकती, श्रम की भावना नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, सबको एक रूपता से देखने की भावना नहीं है। परिणाम ये हुआ कि संस्कृत में निकले हुए बच्चे कभी महानता की तरफ बहुत कम ही जा पाएंगे, क्योंकि वो संस्कार नहीं मिल सकता जो हमारी प्राचीन संस्कृत में था। जिसने सेवा कार्य किया वो हर पल अपनी उन्नत का दरवाज़ा स्वयं कर लेता है। इसलिए मनीषियों ने कहा है कि सेवा कार्य बहुत कठिन है, बड़े बड़े योगी भी इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब सच्चे हृदय से, क्योंकि उसको तारतम ज्ञान का प्रकाश करना है, इस भावना से कांजी भाई सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। पहले तो बाजार से जो कुछ मिला ला करके दे सब्जी बना देते थे, अब क्या करते हैं, खुद बाग में चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, ताजी सब्जियां खरीद खरीद करके लाते हैं, अच्छे से भाव सेवा करते हैं। परिणाम क्या होता है, श्री जी का आशीर्वाद, वो दिन पर दिन स्वस्थ होने लगते हैं। एक दिन हरजी व्यास कहते हैं कि कांजी भाई, यदि कोई मुझे 1000 रुपया देगा तो भी मैं इतना खुश नहीं हो सकता जितना प्रसन्न मैं तुम्हारी सब्जी की सेवा से हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी ताजी लाकर मुझे खिला रहे हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम क्या लेना चाहते हो पारितोषिक रूप में? कांजी भाई कहते हैं कि व्यास जी, जब समय आएगा मैं मांग लूँगा। कई बार जब कह चुका हरजी व्यास, कांजी भाई ने देखा कि हरजी व्यास तो अब स्वस्थ हो गए हैं, कहा कि मैं एक चीज़ आपसे मांगता हूँ कि एक परिचित महात्मा मेरे पास हैं, वे आपसे कुछ ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, आप उनको चर्चा सुनाइए। यह सुनकर हरजी व्यास बहुत हंसे, अरे भाई तूने मांगा क्या, ये तो हमारा पैसा ही है, दिन रात कथा चर्चा सुनाने के सिवा हमारा काम ही क्या है, तुमने इतनी सेवा के बदले बहुत छोटी सी वस्तु मांगी है, तुम उनको तुरंत लेकर आओ। श्री जी आते हैं, परिचय पूछता है हरजी व्यास कि आप कहाँ से पधारे हैं। श्री जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही चला आया इस जिज्ञासा के साथ कि आप अध्यात्म के वेत्ता हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश करेंगे और मैं आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करूंगा। हरजी व्यास ने अपने बाग में ठहराने की व्यवस्था करा दी और पूछा कि क्या सुनना चाहते हैं। श्री जी ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप भागवत की कथा सुनाइए। श्री जी श्रोता के रूप में बैठते हैं और वक्ता के रूप में कौन है, हरजी व्यास। देखिए महानता होती है, मनुष्य को धन पाने के बाद, विद्या पाने के बाद अधिक उछलना नहीं चाहिए,
यदि आप धनवान हैं, गरीबों के बीच में गए हैं, तो गरीबों जैसा ही बन करके रहिए। वहाँ अपनी संपत्ति का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैं कहाँ कंगाल बस्ती में आ गया, मैं तो इतना अमीर हूँ, क्योंकि आपके ये शब्द गरीब के हृदय पर जख्म की तरह घाव करेंगे। आपकी महानता क्या कहलाएगी? आप गरीब के सामने गरीब जैसा ही रहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवट से मित्र जैसा व्यवहार किया, केवट को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? विदुर के घर का साग खाया और दुर्योधन के घर का मेवा मिष्ठान ठुकरा दिया कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा भावना प्रेम नहीं है तो मैं तुम्हारे घर का ये मेवा मिष्ठान नहीं खाऊंगा। अब श्री जी श्रोता के रूप में दो महीने तक लगातार भागवत की कथा का श्रवण करते। एक दिन कथा सुनाते सुनाते श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रसंग चल रहा होता है। 10वें स्कंद में एक घटना आती है कि एक ब्राह्मण के पुत्र मर जाते हैं, और जब उसका पुत्र मर जाता है वो श्री कृष्ण जी के महल के सामने आकर के जब सारे लोग बैठे होते हैं सभा में, आकर के वहीं छोड़ जाता है, और यही बात हर बार शिकायत करता है कि जहाँ जिस द्वारिका में योगीराज श्री कृष्ण रहते हों, बलराम रहते हों, वसुदेव रहते हों, वहाँ मेरा बेटा क्यों मर रहा है। कई बार जब ऐसा होता है, एक बार बहुत खरी खरी सुना देता है, अर्जुन को सहन नहीं होता है। अर्जुन कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, जब आपके अगले पुत्र का जन्म होना हो तो मुझे बुला करके ले जाना, यदि मैं आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सका तो मैं जलती हुई अग्नि में कूद करके प्राण दे दूंगा। जब बच्चे का जन्म होने का समय आया तो ब्राह्मण अर्जुन को बुला करके ले गए। अर्जुन ने अपने बाणों से बालक के चारों तरफ ऐसा घेरा बना दिया ब्राह्मण की पत्नी के सामने चारों तरफ की हवा भी प्रवेश न करे। लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो मरा हुआ ही पैदा होता है। अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जलती हुई चिता में कूदकर प्राण देने को तैयार हो गए। जब चिता में जलने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ा, कहा कि अर्जुन तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ जहाँ ब्राह्मण के बच्चे गए। कथा में आगे वर्णन आता है कि सातों समुद्रों को पार किया रथ के साथ, उसके पश्चात आगे बढ़े तो घोर अंधकार दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उस घोर अंधकार को पार करते हुए वहाँ ले गए जहाँ 84 लाख योजन हीरे का एक महल जगमगा रहा है। वहाँ पर नारायण विराजमान थे, से साई नारायण, उनको वो सारे पुत्र लौटा दिए और कहा कि मुझे तुम दोनों से मिलना था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ बुलाया, मृत के रूप में मृत सौंप देकर उनको यहाँ बुलवाया, और जितने ब्राह्मण के पुत्र मरे हुए थे सबको वापस कर देते हैं। यह घटना सुनते ही श्री जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता यह बताइए कि वो 84 लाख योजन हीरे का महल है कहाँ और किसका है। एक बार तो उन्होंने कहा कि ये पहले कह चुके थे कि एक बार कहते हैं कि आदि नारायण का है, फिर कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का है। श्री जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि ये बताइए, या आदि नारायण का है या अक्षर ब्रह्म का, आप स्पष्ट तो कर नहीं पाते। पुनः कहा कि देखिए महाप्रलय में आपने पहले ही कह दिया है कि 14 लोक नहीं रहेंगे, 3 गुण नहीं रहेंगे, 5 तत्व तो नहीं रहेंगे, तो ये जो हीरे का महल है किसका है और कहाँ है। कभी
कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का है, कभी कहते हैं कि आदि नारायण का है, क्षीर सागर में रहते हैं शेष साई नारायण, उनका ये महल है। उनकी बात सुनकर हरजी व्यास से कहते हैं, श्री जी ये बताइए, जब महाप्रलय में क्षीर सागर भी नहीं रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो हीरे का महल है कहाँ रहेगा, और क्षीर सागर जब रहेगा नहीं तो परमात्मा कहाँ रहेंगे। इस बात को सुनकर इतना क्रोध आता है हरजी व्यास को कि वो मुख से गाली देने लगते हैं कि मैं क्या करूं, जब व्यास जी ने ऐसा ही लिख दिया है तो मैं कहां से उत्तर लाऊं। अब सुनिए तारतम ज्ञान के प्रकाश में उसका वास्तविक आशय क्या है। यह सारा संसार क्या है, आदि नारायण के स्वप्न का है। भागवत में वर्णन आता है कि ब्राजन मणि स्तंभ सहस्त्र सुशोभितम, यानी हजारों थंबो हीरों के, हीरे के हजारों थंबों से सुशोभित वो महल है जिसमें वो अनंत ज्योति जगमगा रही है। अब प्रश्न यह है, जिसके लिए पारावार शब्द का प्रयोग होता है, वेद में उपनिषद में भूमा शब्द आया है, छांदोग्य उपनिषद में भूमा किसको कहते हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान हो उसको कहते हैं भूमा। भूमा का प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए होता है। आदि नारायण क्या है, अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है। जैसे आप यहाँ सरसावा में हैं, आप सपना देखने लगते हैं, सपने में आप मुंबई पहुंच जाते हैं, मुंबई में भी एक आपका रूप दिखाई देगा, लेकिन मुंबई का जो रूप दिखाई देगा वह आपके यहाँ के रूप जैसे ही होगा। बम्बई में आपके चार हाथ चार पैर और चार सिर नहीं हो जाएंगे, जो जैसा होता है वैसा ही सपने में भी दिखाई देता है। उसी तरह से जब यह सृष्टि बनती है तो सृष्टि का रचना करने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म। वेदांत आदि सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार, जन्म आदि यस्यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो पालन हो और लय हो वो क्या कहलाता है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया सृष्टि बने, वह संकल्प किस में आएगा, पहले सत्स्वरूप में, उसके बाद बुद्धि के स्वरूप केवल में, तब चित्त के स्वरूप सबलिक में, और तब मन के स्वरूप अव्याकृत में। कार्य करता है कौन, अव्याकृत। सपने में कौन जाता है, मन। आप जब सो रहे होते हैं, सोते समय आपका शरीर यही रहता है, आपके शरीर जैसा दूसरा शरीर जहाँ स्वप्न आप देख रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया, आप मुंबई में गए थे तो आपके शरीर से कुछ घटा नहीं, आपके मन ने जो कुछ संकल्प किया, आपके मन की विचार तरंगे आपका रूप धारण कर लेती हैं। आप इसको ऐसे समझिए, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए, 6 फुट लंबा एक दर्पण हो तो दर्पण में आप जैसा चित्र हुबहू दिखेगा। आप उसको पकड़ने के लिए हाथ से छुएंगे तो चित्र पकड़ में नहीं आएगा, दर्पण पर आपका हाथ टकरा जाएगा। आप दर्पण में अपने चेहरे की नाक पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते, हाँ अपनी नाक को पकड़ लीजिए तो दर्पण में भी दिखेगा आप अपनी नाक पकड़े हुए। जब रात को आप नींद में होते हैं, आधी नींद में आधी जागृति में, तो आपके मन के संकल्पों से आपके विचार तरंगे आपका रूप धारण करके मुंबई में पहुंचती हैं, और जैसा आप यहाँ बोल रहे होते हैं वैसे मुंबई में बातचीत करती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, सब कुछ करती हैं। वैसे ही अक्षर ब्रह्म का मन इस मोह सागर में, जिसको कहती है नींद, मोह सागर कुछ और नहीं है, इस माया के संसार में जब अक्षर ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, नारायण। नारायण नारायणो भूत्वा प्रपश्यत अक्षर,
नारायण के रूप में अक्षर ब्रह्म दृष्टा रूप में देखता है। पंच अवयव संयुक्ता स एव प्रण अभिधा, जो असल रूप में है वही जब स्वयं को स्वप्न में देखता है तो क्या मानता है कि मैं नारायण हूँ। जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया, आप सरसावा में सो रहे हैं, सोते समय आप मुंबई गए, मुंबई में आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपको उस व्यक्ति ने एक चांटा मार दिया, तो आप भी बड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं कि मैं भी मारूंगा। अचानक आपकी नींद खुलती है, आपकी पत्नी कहती है कि किसको मारोगे, चुपचाप सो जाओ। आप नींद में कहते कि मुझको वो मार रहा था, मैं उसको मारूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं नींद में सोते ही गाली देना शुरू कर देते हैं। कोई दुकानदार होता है नींद में ही बड़बड़ाता रहता है कि तुमसे इतना लेना है, क्योंकि जागृति में जो सोच रहा था निद्रा में वही सोचना शुरू कर देता है। अक्षर ब्रह्म में निद्रा नहीं आती क्योंकि वो तो ब्रह्म है, माया से परे है परमात्मा। उसके मन की शक्ति जब इस मायावी जगत में प्रवेश करती है, इस मोह सागर में जिसको अंडा कहा गया है, मोह रूपी अंडे, तो वो नारायण का रूप धारण कर लेता है। जैसे जागृति में अक्षर ने संकल्प किया सृष्टि बने एक को हम बहुश्याम, उसी तरह से निद्रा में वो संकल्प होता है एक को हम बहुश्याम, परिणाम यह होता है कि सृष्टि बन जाती है। अब जैसे मैंने आपको अभी दृष्टांत देकर बताया कि सपने से पहले आपका सरसावा में जो रूप था सपना देखने के समय भी बम्बई में वैसा ही रहेगा, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है उसको कहते हैं अव्याकृत, इसी को कहते हैं प्रणव ओंकार। ओम इतेतत अक्षरम सर्वम तस् उपव्याख्यानम, अक्षर के मन स्वरूप को अव्याकृत कहते हैं और उसी को ओम नाम से कहा जाता है। उसके महाकारण में सुमंगला पुरुष का स्थान है जो दृष्टा रूप से स्वयं को नारायण रूप में देखता है। अब जो सुमंगला पुरुष, सुमंगला क्या है, अव्याकृत की हिलादनी शक्ति है सुमंगला। सुमंगला यानी मंगल करने वाली, वो किसका व्यक्त स्वरूप है, चिदानंद लहरी का। चिदानंद लहरी क्या है, सबलिक का सूक्ष्म है चिदानंद लहरी और सबलिक का स्थूल क्या है, सुमंगला। जो चिदानंद लहरी सूक्ष्म है वही स्थूल में सुमंगला कहलाएगी, यानी उसको कहते हैं अव्याकृत का महाकारण। और सुमंगला पुरुष का जो व्यक्त स्वरूप है वो स्थूल में कहलाएगा प्रणव ओंकार। इसलिए जैसे आपका नाम यहाँ मोहन है तो बम्बई में भी जब सपना आप देखेंगे तो इसका रूप ऐसा ही रहेगा और इसका नाम भी मोहन ही कहलाएगा। जो जागृत में अक्षर का मन प्रणव ओम कहला रहा है, मोह सागर में आएगा तो नारायण के रूप में भी ओम ही कहलाएगा और उसके संकल्प से सारे प्राणी प्रकट होते हैं। तो जैसा उसका निवास था, जैसा उसका रूप रंग था, इस नश्वर जगत में भी ऐसे ही दिखाई देगा। इसलिए कहीं पर भागवत के उस प्रसंग में भूमा का वर्ण, भूमा शब्द प्रयोग किया गया है तो कहीं नारायण शब्द प्रयोग किया गया है। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जब बालकों को, मरे हुए बालकों को लेने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं। इसलिए वर्णन में लिखा है कि नारायण के पास जाते हैं। वो कैसी ज्योति है, भूमा की ज्योति है, अनंत अनंत शब्द लिखा है कि वो जो अनंत ज्योति है, हजारों हीरे के थंबों से जगमगाता हुआ महल है। श्री जी पूछते हैं कि बताइए हरजी व्यास जी, यह इसमें इंड में है कि ब्रह्मांड से परे है। यदि इस ब्रह्मांड में 84 लाख योजन हीरे का महल है तब तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म का धाम है वो 84 लाख योजन हीरे का महल, तो इस ब्रह्मांड में है या इस ब्रह्मांड से परे है, परे है तो कहाँ पर है। हरजी व्यास कहते हैं कि मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब श्री जी कहते हैं कि हरजी व्यास तुम्हें ज्ञान का अहंग था ना, तुमने कहा था कि मैंने जिस बात को ना कहा उसको किसी ने हाँ कहने की हिम्मत नहीं दिखाई, और जिसको मैंने हाँ कह दिया
किसी ने ना नहीं कहा, जिसने जिसको मैंने ना कह दिया किसी ने हाँ नहीं कहा, तुम्हारे इस अहम को तोड़ने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा। और इसकी साक्षी में ये कांची भाई है, कांची भाई से पूछो क्या इन्होंने आपसे कहा था कि नहीं, आपने कहा था कि नहीं कांची भाई के सामने? इसके पहले जब उत्तर नहीं आ पा रहा था हरजी व्यास को, कांची भाई ने सीधे कहा, चुपके से कहा, श्री जी इनसे कुछ अक्षर अक्षर अतीत की बात तो पूछिए। श्री जी ने कांजी भाई को धक्का देकर कहा कि अक्षर अतीत की बात ये क्या जानेगा, ये तो क्षर में थका है, जो क्षर में थका वो अक्षर और अक्षर अतीत के बारे में एक भी शब्द क्या बताएगा। तब श्री जी ने कहा था कि देखो भाई हरजी व्यास, तुम्हारे ज्ञान का अहंग तोड़ने के लिए ही मैं आया हूं। ये घटना हमें क्या सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का अहंग नहीं लेना चाहिए। अब वो चरणों में गिर पड़ता है हरजी व्यास, कहता है कि हे भगत राज, जैसे गुलर का वृक्ष होता है, एक गुलर के वृक्ष में हजारों फल लगे होते हैं और एक फल में इतने कीड़े रहते हैं वे दूसरे फल को नहीं जानते कि इस पेड़ में उस फल जैसे और भी फल हैं या और भी कीड़े हैं। मैं भी गुलर के वृक्ष के एक फल का कीड़ा हूँ जो अपने ज्ञान के अहंग में पागल हो रहा था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। आज मेरे ज्ञान का अहंग चूर हो गया है, आप मुझे वो परम अखंड परम धाम का मार्ग बताइए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण। अब श्री जी ने उनको क्षर से लेकर बेहद अक्षर और परम धाम का सारा ज्ञान दिया। एक घटना हमें क्या सिखाती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। यदि संसार के सारे विद्वान अपने ज्ञान का अहम छोड़ दें, सत्य का ग्रहण करें, तो संसार में कोई विवाद ही न हो। विवाद कहाँ से खड़ा होता है, जहाँ अपनी विद्वता को दर्शाया जाता है कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। मनुष्य का जहाँ अहम खड़ा होता है विवाद वहाँ से खड़ा होता है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है उसका 8% से अधिक उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। यदि मनुष्य अपनी सारी बुद्धि का उपयोग कर ले तो दुनिया के सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लेगा, लेकिन संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 8% से 10% से अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके। और जो कोई 100% भी बुद्धि का उपयोग कर लेगा तो उस बुद्धि से भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। कठोपनिषद में लिखा है, यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धि न विचेष्टते आहुतम परमाम गतिम। जहाँ पांचों इंद्रियां अपने विषयों में से हट जाए, कारण में लीन हो जाए और मन बुद्धि के साथ निष्क्रिय हो जाए, मन भी अपने कारण में लय को प्राप्त हो जाए, बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि की कोई गति न हो उसमें, वह परम गति है। आप जो बुद्धि से सोचते हैं परमात्मा ऐसा है परमात्मा ऐसा है, तो ये बोध नहीं हो सकता। बुद्धि तो जड़ पदार्थ है, प्रकृति का अंश है, महातत्व से बुद्धि बनी है, महातत्व से हमारा मन बना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, इस मन से माया के बारे में तो जाना जा सकता है, परमात्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता। मन और बुद्धि से जब आप परे हो जाएंगे तब आपको वास्तविक ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने समाधि लगाई, ऋषि मुनियों ने समाधि लगाई और उस समाधि में सत्य ज्ञान का साक्षात्कार किया। झगड़ा विद्वानों में होता है, कभी परमहंसों में झगड़ा न हुआ न कभी होगा, ऋषि मुनियों में कभी झगड़ा नहीं होता। विद्वानों का अहम होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने जो अर्थ किया है वही सच है और दुनिया में मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। यही सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी होती है। ज्ञान क्या होता है, एक बार न्यूटन से पूछा गया कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, न्यूटन ने क्या कहा था, मैं तो ज्ञान के सागर के किनारे कंकड़ पत्थर बिनने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। एक बार ऋषि दयानंद से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप तो महर्षि हैं,
दयानंद हंसने लगे, कहते हैं कि आज कोई ऋषि मुनि नहीं है तो मुझको महर्षि कह लो, लेकिन जब मैं कणाद ऋषि के युग में होता तो उनके आश्रम में मुझे झाड़ू लगाने की भी सेवा मिल जाती तो ये मेरा गौरव होता, ये है महानता। और आज के छुटभैये विद्वान जब बोलते हैं तो सोचते हैं कि संसार में उनके सामने कोई ठहरेगा ही नहीं। भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छी नित की बात कही है कि जब मैं चिंतन करता था तो सोचता था पहले कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन जब मैं विद्वानों की संगति में बैठने लगा तब तो मुझे लगा कि मैं तो इनके पास बैठने के भी योग्य नहीं हूँ, और तब मेरा ज्ञान का अहंकार समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े विद्वान से मिले, सबसे बड़े संगीतकार से मिलिए, तो कहीं भी अपने बड़प्पन का डंका नहीं बजाएगा कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई संगीतकार नहीं। इसी कारण नित्य की शिक्षा है विद्या ददाति विनयम, जिसमें विनम्रता हो समझ लीजिए कि वही विद्वान है। बीतक यह घटना हमें यही शिक्षा देती है कि हमारे पास कितना भी वाणी का ज्ञान आ जाए, कितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नित्य के इस कथन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि विद्या विवादाया, धनम मदाया, शक्ति परेंसाम परिपीडनाया, खलस्य साधो विपरीतम यतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट के पास यदि विद्या होती है तो विवाद को पैदा करती है, धन पैदा होता है तो अहंकार को जन्म देता है, शक्ति होती है तो वो दूसरों को पीड़ा देता है। सज्जन के पास यदि विद्या होती है तो वो ज्ञान के लिए होती है, धन होता है तो वो दान के लिए होता है, और शक्ति होती है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। हमारे पास वाणी का ज्ञान आ गया तो हम इसको संसार में फैलाएं या न सोचे कि हमारा ये ज्ञान है, हमें सोचना होगा कि यह ज्ञान राज्य का दिया हुआ है। अब हरजी व्यास को तारतम ज्ञान देकर श्री जी कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं। एक दिन ध्यान में उनको अनुभूति होती है, अंदर बैठे श्री राज जी ने कहा कि महाराज तुम्हें चलना होगा नौतनपुरी, क्योंकि विक्रम संवत 1719 में कुतुब खान आक्रमण कर देता है नौतनपुरी पर, हलार देश पर। उस समय पूरा गुजरात क्या पूरा देश किसी न किसी रूप में मुगल शासन के अधीन था। जो छोटे मोटे राजा थे कर चुकाते थे और मुगल शासन के अधीन छोटी छोटी रियासतों की अपनी व्यवस्था किया करते थे। कर चुकाने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो मुगल शासन बहुत प्रताड़ित करते थे। 3 वर्षों से लगभग कर्ज चुकाया नहीं जा चुका था, ये कर नहीं चुकाया जा चुका था। वहाँ के सूबेदार कुतुब खान ने हमला कर दिया था कि इतने साल से आपका टैक्स नहीं चुकाया गया है, इसलिए मैं वसूल करूँगा आक्रमण करके। श्री जी को अंतःप्रेरणा होती है राज्य की तरफ से कि यदि वहाँ चलकर सुंदर साथ की रक्षा नहीं की जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मुगल सेना कितने सुंदर साथ पर अत्याचार ढाएगी। आप सीधे वहाँ से चल करके आते हैं नौतनपुरी, बिहारी जी महाराज से स्वीकृति लेते हैं कि टैक्स मैं इकट्ठा करके दे दूंगा और जाकर जामनगर के राजा से मिलकर वहाँ की दीवानगिरी ले लेते हैं कि आप सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे कर दीजिए, जनता से कर वसूल करके मैं कुतुब खान को दिला दूंगा ताकि कोई खून खराबा ना हो। लेकिन बहुत प्रयास करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल पाती है, और आप जानते हैं मुसलमानों से दया की आशा करना तो सूरज के पश्चिम में उगने के समान होती है। समय आता है, जब समय पूरा हो जाता है श्री जी कह देते हैं कि अब प्रजा इससे अधिक धन नहीं दे पाएगी, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। वो तो हर बात में फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। अब श्री जी को नज़रबंद कर दिया जाता है गुजरात के अहमदाबाद जेल में, अहमदाबाद के पास उस कारागार में, क्योंकि उस समय अहमदाबाद पूरे गुजरात की राजधानी थी जहाँ कुतुब खान शासन किया करता था।
यह बात कांजी वही कांजी भट्ट जो हरजी व्यास के पास रहा करते थे सुनते हैं कि श्री जी को अमुक तीर्थ को फांसी हो जाएगी तो मेरे जीते जी रहने से क्या फायदा। वो तेज कुंवरी जी के पास जाते हैं, तेज कुंवरी जी के वस्त्र लेते हैं कि तेज कुंवरी जी आप मुझे अपना वस्त्र दीजिए, श्री जी के लिए मुझे ये कार्य करना है और भेष बदल कर कि मैं मीराज की पत्नी हूँ, तेज कुंवरी जी हूँ। कांजी भाई स्वतः पहुँच जाते हैं अंदर, दरवाजा खुलवाते हैं और श्री जी से कहते हैं कि श्री जी आप ये वस्त्र तेज कुंवरी के पहनकर आपको निकलना होगा। श्री जी कहते हैं कि अरे भाई मेरा कुछ नहीं होगा, भावुक है कांजी भाई, तन मन धन समर्पित किया हुआ है श्री जी पर। कहते हैं कि नहीं धामदनी, एक कांजी भाई मर जाएगा तो कुछ नुकसान नहीं होना है, आपके चरणों में हजारों कांजी भाई पैदा हो जाएंगे, लेकिन दूसरा श्री जी मैं कहाँ हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए आपको पहनना ही पड़ेगा। और ज़बरदस्ती पहनाकर उनको प्रेम में धक्का देते हैं कि आप बाहर निकलिए और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यहीं पर हार हो जाती है। तृण जुत की था फरी फरी पच्छे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी। हर बार इंद्रावती जी जीत जाती हैं लेकिन इस बार हार गई। अरब में गए सतगुरु महाराज के आदेश पर, सतगुरु महाराज ने प्रणाम नहीं स्वीकार किया तब भी उनकी जीत हुई। जो जब भी माया से उन्होंने तीन युद्ध किए, तण युद्ध की था फरी फरी पछे गत मत मारी हरी, हमेशा जीतते रहे लेकिन अंततो गत्वा उनको हार खानी पड़ी इसी कांजी भाई के त्याग के कारण। जिस तन में राजी बैठे हों उस तन को फांसी कौन लगा सकता था, कोई न कोई बहाना बन जाता, लेकिन बुद्धि हरी पछे गत मत मारी हरी का तात्पर्य क्या है, मेरी भी बुद्धि मारी गई कि मैं कांजी भाई को मरने के लिए छोड़ करके चल दिया। यानी कह देते हैं कि नहीं कांजी भाई मेरे तन में राजी बैठे हैं, मुझे फांसी पर कौन चढ़ाएगा। हमें इतिहास की घटना याद रखना चाहिए, एक बार सुभाष चंद्र बोस को किसी ने खतरे की सूचना दी, सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि हिंदुस्तान में ऐसी गोली नहीं बनी है जो सुभाष चंद्र बोस का सीना चीर सके, ये आत्मविश्वास बोलता है। इसलिए जिस तन में राजी बैठे हैं उस तन को फांसी पर चढ़ाना किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन मिहराज जिसे भी भूल हो जाती है माया के प्रभाव में, उनका जीव भी भूल गया कि इस तन में तो राजी बैठे हैं फांसी पर चढ़ाने वाले कौन है, वो भी भेष बदल कर निकल जाते हैं और पहुँचते हैं दीप बंदर, सीधे गुजरात से दीप बंदर पहुँचते। इधर कांजी भाई दिन रात राज्य के चिंतन में रहते हैं, फांसी का समय अभी कुछ महीनों का होता है, उनकी दाढ़ी बढ़ गई होती है। जिस दिन फांसी के लिए उनको ले जाया जा रहा होता है, राज्य के जोश की ऐसी लीला होती है, उन्होंने कड़कती हुई आवाज में सारे मुसलमानों को फटकार लगा दी, मुसलमानों तुम ये जो शरीयत के नाम पर जुल्म सितम ढा रहे हो, जब न्याय का दिन आएगा और अल्लाह ताला न्याय के सिंहासन पर बैठकर सबका न्याय करेंगे तो तुम ये जो जुल्म सितम ढा रहे हो तुम्हें दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। कुरान की कई आयतें भी उनके मुख से अवतरित हो गई। यह सुनकर कि क्यामत और न्याय के दिन की जो बात शख्स कर रहा है ये तो पहुंचा हुआ फकीर है, कितना भी बड़ा मुसलमान हो जब उसको क्यामत की बात कहिए या न्याय के दिन की बात कहिए तो कांपने लगता है, क्योंकि मुसलमानों को इसी दिन के लिए डरा करके रखा गया है। देखो यदि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें दोजख की अग्नि में बार बार जलाया जाएगा। और ये सुनते ही मुसलमान का कलेजा कांप उठता है कि लगता है कि वो दिन आ गया क्या। वो सोचे थे कि जिस एक हिंदू को हमने कारागार में बंद कर दिया, ये कुरान की आयतें कहाँ से बोल रहा है, निश्चित ही इसके तन से कोई अलौकिक शक्ति की लीला हो रही है। और सबने क्योंकि जानते हैं जिसको फांसी एक बार होती है दोबारा फांसी तो होनी नहीं है,
इसलिए कांजी भाई बेधड़क थे, राज्य पर अटूट ईमान था और दृढ़ता से जो बोल रहे थे सारे मुसलमान डर गए कि भाई ये अल्लाह का वास्ता दे रहा है, कुरान की आयतें बोल रहा है, लगता है कि ये सच्चे हृदय से इसकी आवाज़ निकल रही है और ये आवाज़ अल्लाह ताला की है। सब ने डर करके उसको फांसी से चढ़ाने से रोक दिया, कहा कि छोड़ दो, इसको छोड़ देने में ही भलाई है। और उसके पश्चात कांची भाई हंसते हुए वहाँ से चले आते हैं, तेज गौरी जी से मिलते हैं और बता देते हैं कि तेज गौरी जी अब राज्य की कृपा से सारा कार्य हो गया है, श्री जी दीप बंदर के लिए प्रस्थान कर गए थे, हम वहाँ चलेंगे, वहाँ भेंट होगी। ये घटनाक्रम है कि किस तरह से कांजी भाई ने अपने त्याग से श्री जी की पंच भौतिक तन की रक्षा की। रक्षा क्या किया, राज्य ने उनको यह शोभा दी। कांजी भाई हमेशा त्याग में सरोपर रहे। बीतक में कितने घटनाक्रम आएंगे, धारा भाई का प्रसंग आएगा, कांजी भाई का प्रसंग आएगा, हर जगह एक से एक सुंदर साथ मिलेंगे आपको बीतक में। वो हमें समझने की बात है कि हम कितना त्याग स्वयं करते हैं। आज की नई पीढ़ी ने आज़ादी का दृश्य नहीं देखा है, जब कहीं झंडा फहराना होता था नीचे से गोलियां चल रही होती थी, एक मरता था उसके हाथ से झंडा लेकर दूसरा खड़ा हो जाता था कि मैं फहराऊंगा, गोली दनादन चल रही है लेकिन मरने वाले में जोश में है कि हम फहरा कर रहेंगे। ये तो त्याग होता है, हमारा सुंदर साथ सोया हुआ है, ज्ञान के ग्रहण करने में सोया हुआ है, चितवनी करने में सोया हुआ है, ज्ञान फैलाने में सोया हुआ है। आप देखेंगे सात समुंदर पार से पादरी आकर भारत के गली गली में घूमते हैं। आज पूरे पूर्वोत्तर भारत में क्रिश्चियनिटी का डंका बज रहा है। जहाँ कोई हिंदू महात्मा मठाधीश नहीं जा पाया वहाँ पादरी जंगल में पहुँच जाते हैं, अपना स्कूल खोलते हैं, अस्पताल बनाते हैं, लोगों को सेवा के नाम पर धन परिवर्तन करा देते हैं और भारत के 70 लाख महात्मा मठों में आराम करते रहते हैं। वो समाज से धन तो लेते हैं लेकिन समाज की सेवा नहीं करते, और हमारा सुंदर साथ तो सबसे पीछे हो गया। हम 300 साल से गिनती में केवल 40 लाख, क्यों, क्योंकि हमने ब्रह्मवाणी को मंदिरों में रखकर केवल आरती पूजा ही तो की, उस ब्रह्मवाणी की विशद व्याख्या नहीं की, उस ब्रह्मवाणी को जन जन के लिए सुलभ नहीं बनाया, स्वयं चितवनी नहीं की। सारे समाज को चितवनी के मार्ग पर लगाया होता तो हमारा समाज भी आज विस्तृत होता और संसार के करोड़ों लोगों को परम धाम का बेहद का मार्ग मिलता, लेकिन हमने अपने आलस्य प्रमाद और अकर्मण्यता से कुछ नहीं किया। ये घटना हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। आप देखिए युद्ध होता है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के सीने में कितनी गोलियां लगी होती हैं, फिर भी वो भागते नहीं हैं, तड़प करके प्राण छोड़ते रहते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। एक सैनिक भागेगा सारी सेना भागेगी, देश गुलाम हो जाएगा। धार्मिक क्षेत्र में क्या करना होता है, कुछ घंटे अध्ययन करने होते हैं, कुछ घंटे ध्यान करने होते हैं, लेकिन अकर्मण्यता इतनी, आलस्य इतना कि कोई परिश्रम करने को तैयार नहीं है। यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कांजी भाई के उस प्रसंग से कि जानता है कि महाराज की जगह जाने का मतलब कि फांसी, लेकिन दूसरों के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए श्री जी आगे आते हैं और उनके तन को बचाने के लिए कांजी भाई आगे आते हैं। ये घटना हमें क्या संकेत दे रही है कि समाज में यदि हम धर्म की रक्षा के लिए राज्य की सेवा के नाम पर आगे बढ़ेंगे तो कोई हमारी भी सेवा करेगा। यदि हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में राज्य क्यों सोचेंगे। आप राज्य के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, राज्य आपके लिए समर्पित होंगे। आप एक कदम चलोगे राज्य 10 कदम चलेंगे। आप राज्य की सेवा में 100 रुपया दोगे राज्य आपको 1000 रुपया देंगे। लेकिन यदि आप न वाणी पढ़ेंगे, न चितवनी करेंगे, न तन की सेवा करेंगे, न धन की सेवा करेंगे, न मन का समर्पण करेंगे,
तो जहाँ से चले थे वहीं रह जाएंगे। इसलिए आज की बितक्के में ये मूल चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ज्ञान का कभी अहंग नहीं करना। जैसे कांजी भाई ने त्याग करके दिखाया, श्री जी ने ये मार्ग दर्शाया कि जो नेतृत्व करता है उसके ऊपर उत्तरदायित्व होता है। आज जो समाज के अग्रगण्य हैं उनको आगे आकर के वाणी के प्रचार का नेतृत्व संभालना चाहिए। सुंदर साथ को कोई कष्ट ना हो, सुंदर साथ को परमधाम का मार्ग मिलता रहे, यही सभी अग्रगण्य लोगों से समाज अपेक्षा करता है। यदि वही अकर्मण्यता के शिकार होंगे, आलस्य प्रमाद के शिकार होंगे, सुख सुविधाओं का जीवन जिएंगे, वाणी के अध्ययन में चितवनी में वही पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समाज किस मार्ग का अवलंबन करेगा। इसलिए प्रतिदिन होने वाली बीतक के हर घटनाक्रम को हम अंगीकार करें, हमारी आत्मा जागने के पथ पर सरपट दौड़ती चली जाएगी। क्योंकि ब्रह्मात्मा के दो पंख हैं, इश्क और ईमान। हमारा ईमान दृढ़ हो एक मूल स्वरूप अक्षरातीत पर, कि राज्य पल पल हमारे साथ हैं, एक पल के लिए भी न कभी अलग थे न हैं और न भविष्य में कभी होंगे। हमारे प्राण की भी नली से निकट हैं, इसलिए उनका प्रेम लेकर हम आगे बढ़ते चलें, यह जानते हुए कि हर पल राज्य हमको देख रहे हैं, राज्य हमारे साथ हैं। जितना हम राज्य के लिए त्याग करेंगे उससे कई गुना हमको मिलता जाएगा। अब प्रसंग बदलता है, आगे की चर्चा होगी कल से। जब जाम वजीर विदा दई, जब जाम वजीर विदा दई, देख कसाला दुख देख, हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे सुख, अब ए पावे सुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।